नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाउ डेलीगेट इंसेक्टिसाइड के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन दर्शकों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस डेली खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही उस बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप हमारे ऐसे ही खेतीबाड़ी से जुड़े वीडियो समय से देख सकें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइंस एग्रो के डेलीगेट के बारे में। तो दोस्तों, बने रहिए शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं शिव प्रकाश, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं डेली खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये ग्रीन लेवल इंसेक्टिसाइड है, यानी कि इससे पर्यावरण पर कोई भी नुकसान नहीं होता है। ये ग्रीन लेवल का इंसेक्टिसाइड है और इसके केमिकल एंड फॉर्मुलेशन की बात करें तो स्पेनोटोरम 11.7% SC फॉर्म में ये आता है, ये इसका टेक्निकल नाम है। और प्रमुख फसलों की बात करें, यानी कि ये कौन कौन सी फसल पर अपने रिजल्ट सही से दिखाता है, तो सोयाबीन, पत्ता गोभी, टमाटर, कपास, प्याज, स्ट्रॉबेरी, चाय, एप्पल, उड़द, मूंग, अरहर, मटर, धान, मिर्च, बैंगन, मक्का और भी कई वेजिटेबल क्रॉप में इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट आते हैं। दोस्तों, इंसेक्ट कंट्रोल के बारे में बात कर लेते हैं तो ये स्पाइनोटोरम इल्लियों, सुंडियों और थ्रिप्स पर बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है। यह मुख्य रूप से अमेरिकन इल्ली, तमाकू इल्ली, पत्ता लपेट, तना छेदक, बॉल बर्ब, पिंक बर्ब, फल छेदक, DVM इल्ली पर अपना कंट्रोल बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेता है। थ्रिप्स की बात करते हैं तो दोस्तों, थ्रिप्स में वाइट प्लाई यानी सफ़ेद मक्की, तेला, थ्रिप्स, लेडिस, जेडिस, लीप माइनर कंट्रोल कर लेता है। मारने का जो तरीका है दोस्तों, इसका इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, इस कारण से इंसेक्ट की मौत हो जाती है। दोस्तों, डोज की बात करें तो इसका जो डोज है प्रति एकड़ 70 से 80 ml डोज 150 लीटर पानी में लेना होता है, और 15 लीटर पानी में यानी एक टंकी के डोज की बात करें तो 6 से 8 ml का डोज लेकर के आपको छिड़काव करना चाहिए। और दोस्तों, प्राइस की बात करें तो 180 ml का जो प्राइस है 1800 रुपये है, और यह 20 ml के पैकिंग में भी उपलब्ध है जिसका प्राइस 320 रुपये मार्केट में अभी अवेलेबल है। और जब आप वीडियो देख रहे होंगे या और अन्य राज्यों में इसका 10-5% नीचे ऊपर हो सकता है। दोस्तों रिजल्ट टाइम की बात करें तो ये 15 से 18 दिन तक अपना किसी भी इंसेक्ट पर कंट्रोल बनाए रखता। दोस्तों, टमाटर और मिर्च व बैंगन पर डोज की बात करें तो 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज लेना होता है इन तीनों क्रॉपों में। और दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने किसान भाइयों को शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही हमारे डेली खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से पा सकें। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए डेली खेतीबाड़ी। नमस्कार।